के रियासी जिले में रविवार को ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस लश्कर तैयबा के दो आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि इनमें से एक मोस्ट वांटेड कमांडर भी है। पकड़े गए आतंकियों में रजौरी जिले का रहने वाला लश्कर कमांडर तालिब हुसैन और पुलवामा जिले का फैजल अहमद है, तो वहीं इन दोनों को तुकसन गाँव में पकड़ा गया था। फैजल हाल में ही हुए IED विस्फोटों का मास्टरमाइंड था। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि इनके पास से दो AK राइफल, 7 ग्रेनेड और एक पिस्तौल बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों को उनकी बहादुरी के लिए 2,00,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बहादुर ग्रामीणों को 5,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।